गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरेकलोनी क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। आज फिर ले आया हूं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन, और ये फिक्स प्रेपोजिशन का 16वां पार्ट है। शायद एक पार्ट और आपको मिलेगा, और आज के इस पार्ट में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप फ्रॉम लगाते हो, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप टू लगाते हो। जब भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हो तो आपको प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके नियमों से उतने नहीं दिए जाते जितने कि फिक्स से दिए जाते हैं। यानी कुछ शब्दों के साथ कुछ प्रेपोजिशंस को फिक्स कर दिए गए हैं और उन्हीं का हम यूज़ किया करते हैं। जो चीज़ एक बार तय कर दी गई कि भाई इस शब्द के साथ, इस वर्ड के साथ यही वाली प्रेपोजिशन आएगी, तो वो निश्चित है कि वही आएगी। और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में हमारे फिक्स प्रेपोजिशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कंपेटिटिव लेवल की बात करें और इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिक्स प्रेपोजिशन से ही आते हैं। और मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक में मिला जुला होता है, जैसे कि कुछ फिक्स से होते हैं तो कुछ नियमों के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट और कंपेटिटिव के छात्र हो तो फिर आपको फिक्स प्रेपोजिशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको सरल बनाने के लिए, काफ़ी आसान बनाने के लिए मैं एक एक प्रेपोजिशन को ले आ रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने ऑफ के बारे में बताया था, ओ एफ, जितने भी शब्द मैंने बताए थे 30 या 35 वर्ड बताए थे करीब करीब, उसमें सब के साथ हमने ऑफ लगाया था। कल वाली वीडियो में हमने फॉर का यूज़ किया था जितने भी वर्ड्स थे, और आज वाले में फ्रॉम भी है, टू भी है। लेकिन टू यहीं तक नहीं है, टू के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कल मैं जिसका जिक्र करने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं आज का लेसन, और आज के इस वीडियो में बहुत सारे शब्द जिनके साथ फ्रॉम और टू को फिक्स कर दिया गया है। तो किन के साथ फ्रॉम है, किन के साथ टू है, हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, विस्तारपूर्वक देखेंगे, उनकी हिंदियों के साथ देखेंगे, उनके हिंदी जो अर्थ हैं उनके साथ देखेंगे। ओके, तो देखते हैं ज़रा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्सटेन। अब्सटेन के साथ भी फ्रॉम आता है। अब्सटेन का क्या मतलब होता है? अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, यानी किसी गलत चीज़ से, जैसे कि शराब से दूर रहना, स्मोकिंग से दूर रहना, है ना, इन सब चीज़ों से दूर रहना, अब्सटेन। उसके बाद रिफ्रेन की बात करते हैं, तो रिफ्रेन और अब्सटेन एक ही जैसा है। रिफ्रेन का भी मतलब होता है वंचित रहना, दूर रहना, ये भी अपने साथ फ्रॉम लेता है। प्रोहिबिट, मना करना, PROHIBIT, प्रोहिबिट, मना करना, ये अपने साथ भी फ्रॉम ही लेता है। प्रिवेंट, रोकना या मना करना, इसका भी वैसा ही कुछ अर्थ है जैसा कि आप तीनों में देखते आ रहे हो, लेकिन इनके यूजेज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही एक्सेप्शनल नॉलेज है। मेरा कहने का मतलब है भाषा है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। एक ही हिंदी के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका यूज जो होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग अवस्थाओं में किए जाते हैं। तो एक ही तरह की हिंदी आ रही है, इससे मतलब नहीं है, इनके यूजेज में थोड़े बहुत फ़र्क आपको मिल जाएंगे अगर आप ग्रामेटिकल नियम पढ़ोगे। मैं चाहता तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं कहने का मतलब है, इस चीज़ का जिक्र करता, मेंशन करता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना दी जाएगी। तो प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम आता है। स्टॉप, स्टॉप के साथ भी आप फ्रॉम करते हो, और स्टॉप का मतलब तो आप जानते हो। सेव के साथ भी फ्रॉम आता है, सेव तो जानते हो ना, सुरक्षित कर लेना किसी चीज़ को। रिकवर, रिकवर के साथ भी फ्रॉम आता है, और रिकवर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल जब से ये वायरस आया है तब से रिकवर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। रिकवर मतलब होता है किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग से, यानी छुटकारा पा लेना, मुक्त हो जाना। ओके, रिकवर, इसके साथ भी फ्रॉम आता है। प्रोसीड यानी प्रक्रिया होना, तो इसके साथ भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, हिफाजत करना, इसके साथ भी फ्रॉम लगाना होता है। फ्री, फ्री के साथ दो प्रेपोजिशन आप दे सकते हो, फ्रॉम तो दोगे ही आप, और उसके बाद ऑफ भी दे सकते हो। यानी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ दो प्रेपोजिशंस को अलाउ किया गया है कि आप इन दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रॉम का भी यूज़ कर लो या ऑफ का यूज़ कर लो, ये डिपेंड करता है आपकी, कहने का मतलब आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके बाद है इस्केप। इस्केप मतलब होता है भाग जाना, इसके साथ भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। डिसिस्ट, डिसिस्ट यानी किसी चीज़ से अवरोध होना, तो इसके साथ भी आप फ्रॉम देते हो। तो ये जितने वर्ड्स सभी मैंने आपको बताए, इन सब के साथ आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। अगर इन सभी शब्दों के बाद आपको डॉट 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 दिख जाए, और फिर नीचे ऑप्शंस में आपको तो चार ऑप्शंस मिलेंगे ही, चार प्रेपोजिशंस दी रहेंगी, उनमें से फ्रॉम का ही सिलेक्शन करना होगा, फ्रॉम का ही चयन करना होगा। जरा इधर देख लेते हैं, इधर भी कुछ हिस्से हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, जैसे कि बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना, इसके साथ भी फ्रॉम आता है।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उधार लेना और उधार देना, इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। उधार लेना जो है वो बोरो है और उधार देना जो है वो लेंड है। ठीक इसी प्रकार से किराए पर लेना और किराए पर देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। किराए पर लेने की अंग्रेजी हायर है और किराए पर देने की अंग्रेजी, किराए पर देने की अंग्रेजी रेंट है। ओके, एडवाइस यानी कहने का मतलब है सलाह लेना कंसल्ट है और सलाह देना एडवाइस है। तो लेने देने को लेकर के थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ही चीज़ तो है, एक ही नहीं है भाई मेरे, लेना अलग हुआ देना अलग हुआ। तो अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है, अब्सटेन तो शायद एक बार मैंने कहीं लिखा था क्या, नहीं नहीं, अब्सटेन यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ से वंचित रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ की मनाही होना। अब्सटेन अपने साथ भी फ्रॉम लेता है। सिक्योर सुरक्षित कर लेना किसी चीज़ को, सिक्योर भी अपने साथ फ्रॉम लेता है। डिफरेंट, डिफरेंट यानी भिन्न अलग, ये भी अपने साथ फ्रॉम लेता है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है बरी करना यानी मुक्त करना किसी बंदी गृह से, एक्सोनरेट ये भी अपने साथ फ्रॉम लेता है। डिसेंट, डिसेंट कहने का मतलब है सहमति होना, सहमत होना, राजी होना, डिसेंट अपने साथ भी फ्रॉम लेता है। तो ये जितने भी वर्ड्स अभी आपको बताए गए हैं ये सभी फ्रॉम वाले थे। अब हम टू की बात करेंगे। इतने सारे वर्ड के साथ टू मैं लेकर के आया हूँ और टू इतने ही पे ख़त्म नहीं होगा बल्कि टू के और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, करीब करीब आधे और भी होंगे, लगभग 20 या 25 वर्ड जिनके साथ आप टू करोगे। ओके, तो देखते हैं टू वाले को। एक्सेस, एक्सेस यानी पहुँच होना, ये भी अपने साथ टू लेता है। अप्रोच, अप्रोच यानी सिर्फ पहुँच, ये भी अपने साथ टू लेगा। अटेंशन, अटेंशन ध्यान, इसके साथ भी टू का यूज़ करना है। अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी लगाव, जुड़ाव, संबंध, ये भी अपने साथ टू ही लेता है। ड्यूटी कर्तव्य दायित्व, इसके साथ भी आप टू का यूज़ करते हो। एक्सेप्शन यानी अपवाद, ये भी अपने साथ टू लेता है। अब जरा इधर की बात कर लेते हैं, इधर वाले भी वर्ड्स अपने साथ टू लेते हैं। जैसे कि इनविटेशन, इनविटेशन यानी आमंत्रण या निमंत्रण, ये भी अपने साथ टू ही लेता है। की, के ई वाई, की यानी की का मतलब क्या, चाबी, और की का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक मार्ग, एक रूट, जैसे कि सफलता का मार्ग क्या है, है ना, तो इस तरीके से। तो के ई वाई की अपने साथ भी टू लेता है। लिमिट यानी सीमा, ये भी अपने साथ टू लेता है। ऑब्जेक्शन ऐतराज़, ओके, आपत्ति, हिंदी में कहते हैं आपत्ति, नहीं तो उर्दू में आप ऐतराज़ कह सकते हो। ऑब्जेक्शन भी अपने साथ टू ही लेता है। ओपोजिशन, ओपोजिशन यानी विपक्ष, ये भी अपने साथ टू लेता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यानी शुल्क, ये भी अपने साथ टू लेता है। सबमिशन, सबमिशन यानी कहने का मतलब है शुल्क लेना, ओके, ये भी अपने साथ टू लेता है। रिप्लाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, रिप्लाई, रिप्लाई भी अपने साथ टू लेती है। ओके, रिप्लाई टू मी, रिप्लाई टू हिम। ओके, रिजाइनेशन, रिजाइनेशन यानी त्याग या त्याग पत्र भी कह सकते हैं, टू लेता है अपने साथ। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड यानी अभ्यस्त होना किसी चीज़ में, आदि होना, ये भी अपने साथ टू लेता है। कमिटेड, कमिटेड, कमिट यानी वचन देना, किसी के, किसी से वादे करना, ठीक है, प्रॉमिस करना, लेकिन प्रॉमिस और कमिट में फ़र्क ये हो जाता है कि प्रॉमिस थोड़ा सा इम्फैटिक नहीं होता, जबकि ये कमिट जो होता है बहुत इम्फैटिक होता है, एकदम जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं फिर किसी की नहीं सुनता। आपने वो डायलॉग सलमान की सुनी होगी, कमिटमेंट यानी एक ऐसा वादा जिसका टूटना पॉसिबल ना हो, बहुत ही मुश्किल हो, 99% फिक्स्ड हो, गारंटीड हो कि भाई वो चीज़ करेगा ही करेगा बंदा। कमिटेड अपने साथ टू लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे हमारे वर्ड्स हैं फिक्स प्रेपोजिशन से, आप प्रेपोजिशन के जितने भी नियम पढ़ने हैं पढ़ लो, लेकिन अगर फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद नहीं है तो फिर आप प्रेपोजिशन में अच्छे नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन एक बात फिर से बता दूँ कि कल वाली शायद हो सकती है लास्ट वीडियो हो, अगर लास्ट वीडियो ना भी हो तो हो सकता है कि परसों लास्ट तक हो, है ना, और परसों के बाद उसके ठीक कल
एक आपको टेस्ट ली जाएगी, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कितने लोग बहुत वेटिंग में हो, कितने सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर टेस्ट वो कब होने वाला है। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो यार, 15 पार्ट्स बन चुके हैं, ये 16वां पार्ट है। इन सब को 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके देखो, क्योंकि जितनी बार देखे रहोगे उतना ही आपको याद रहेगा, और उसके बाद टेस्ट में आप 20 में कितना गेन कर पाते हो ये तो आपकी मेहनत बताएगी कि आपने कितनी मेहनत की हुई है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल। ओके, सिया, बाय बाय।